तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कौशल मिश्रा ब्लॉग पे तो आज हम आपको लाए हैं अपने जौनपुर ज़िले के, जहाँ पे सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन मूर्तियाँ मिलती हैं, जहाँ के कारीगर के हाथों में कला है। कला ऐसी कला कि जो कोई कारीगर टक्कर नहीं दे सकता, ऐसी कला है। और यहाँ पे पूरे जौनपुर ज़िले में सबसे अच्छी मूर्तियाँ बनती है, और यहाँ पे इतने ऑर्डर्स रहते हैं कि मूर्तियाँ बनाना भी मुश्किल हो जाता है। इतनी मूर्तियाँ यहाँ पे बनती है और दूर दूर से लोग नौपेड़वा बाज़ार में मूर्ति लेने आते हैं। तो आप अभी समझ गए होंगे कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं नौपेड़वा बाज़ार की बात कर रहा हूँ, जहाँ की मूर्तियाँ बहुत ही अद्भुत और बहुत ही फेमस मूर्तियाँ। यहाँ के कलाकार के हाथों में जादू है, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं। तो अभी चलिए आपको पूरी मूर्ति दिखाते हैं माता रानी की, और फिर आपसे यहाँ के कलाकारों से भी बात कराएंगे कि उनके हाथ में ऐसी क्या कला है जो इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ बनाते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। शंकर जी का और माता रानी का मूर्ति है, जो अभी नवरात्रि के समय आ रहा है, और मूर्तियाँ सब लोग कहीं से ख़रीद भी रहे होंगे। और लेकिन सबसे अच्छी मूर्तियाँ जो है नौपेड़वा बाज़ार में ही मिलती है। तो आप जैसे देख सकते हो पूरी मूर्ति बना के रखी हुई है, और यहाँ पर कारीगर लगे भी हुए हैं मूर्ति बनाने में, जैसे कि कपड़ा भी पहनाना रहे हैं और माता रानी की सेवा में लगे हुए हैं कि अच्छे से अच्छी मूर्तियां बने। और अब आप इधर सब देख ही सकते हो, माता रानी की मूर्तियां इधर तैयार हो गई हैं, और यहां पे कलाकार भाई सब लगे हुए हैं मूर्ति बनाने में। तो भैया, आपके हाथ में इतना बढ़िया जादू है कि आप माता रानी की इतनी अच्छी और अद्भुत मूर्ति बना देते हैं, तो इसे को आपको मतलब सीखने में कितना समय लगा था? सीखने में तो बहुत समय लगा था, बहुत समय लगा। सब माता रानी का कृपा है, क्योंकि उसकी कृपा बिना कुछ नहीं होगा। ये बात तो सही, इतनी खूबसूरती मूर्ति बनाने का, बिना माता रानी के कृपा के कोई इतनी खूबसूरत मूर्ति बना ही नहीं सक सकता, क्योंकि सब कलाकारों के हाथों में ऐसा जादू नहीं होता कि इतना खूबसूरत मूर्ति बनाने। और नौपेड़वा में जहाँ तक हमें लगता है सबसे ज़्यादा मशहूर आप ही लोग हैं मूर्ति बनाने में, और आप लोग तो सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ भी बिकती हैं। तो आप आगे इनकी कला के बनाए द्वारा मूर्तियाँ आपको दिखाते हैं आगे, जैसे कि आप देख सकते हो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मूर्तियाँ कैसी लगी। तो आप देख सकते हो, और बाकी सब मूर्तियाँ माता रानी की, तो अभी काम चल रहा है, माता रानी की मूर्तियाँ बन रही हैं, काम है जोरों से चल रहा है, क्योंकि अब नवरात्रि भी पास आ गई है, 15 तारीख से नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं। अंकल जी, आप बताइए कि नौपेड़वा में, जहाँ तक पूरे जौनपुर में नौपेड़वा बाज़ार में आपके यहाँ ही सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बिकती, और आपके यहाँ सबसे खूबसूरत और बढ़िया मूर्ति बनती है। तो अपने यहाँ का कुछ एड्रेस और मोबाइल नंबर बता दीजिए, ताकि लोग आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके और आपके पास बिना भटके हुए आ सकें। कई लोग रास्ता नहीं जानते हो, भी बता दीजिएगा अच्छे से। मेरा नाम बापी पाल है, जय माँ काली मूर्तिकार, नौपेड़वा बाज़ार जौनपुर, जिला सरकारी बैंक के पास मूर्ति बनाता है। तो अपना मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। मोबाइल नंबर 9093518041। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मोबाइल नंबर और एड्रेस मिल जाएगा, और सर का नाम मिल जाएगा। तो आप लोग कांटेक्ट करके यहाँ पे ज़रूर आएगा, आप कहीं से भी मूर्ति लें, लेकिन यहाँ से अच्छी मूर्ति हमें नहीं लगता कहीं पे भी मिलेगी। हमारे गाँव की भी मूर्तियाँ यहीं से जाती हैं, तो हम डायरेक्ट आप ही के पास आए थे। आपकी मूर्तियाँ इतनी फेमस हो गई, जहाँ जाओ भैया सब वही मूर्ति आपके ही दुकान के बारे में बताते हैं कि वहीं जाओ। तो आप अपने इन कलाकारों भाइयों के लिए क्या बोलना चाहेंगे, इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ बना रहे हैं? जैसा हम लोग कम से कम यहाँ पे 20 साल से मूर्ति बना रहे हैं। उसका पहले मेरा कलकत्ता में मूर्ति बनाता है, मेरे पिताजी बनावटी करता है, और हम लोग को जो कारीगर है सब अच्छा अच्छा कलाकार कलकत्ता से लेके आया है। देखिए, और कलकत्ता के तो और भी मशहूर, हाँ कलकत्ता और मशहूर कलाकार, कलकत्ता के कलाकारों को कौन टक्कर दे सकता है। हाँ, तो चलिए यहाँ की मूर्तियाँ देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए, हमें यही उम्मीद है।